इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप जगह व्हाट्सएप पे हिजाब ट्यूटोरियल डाला करो. सो फाइनली हिजाब ट्यूटोरियल व्लॉग आज मैं बना रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं आज हिजाब ट्यूटोरियल करने वाली हूँ. वो है हिजाब विद इयररिंग्स. अभी स्टार्टिंग में बहुत सोचती थी यार कैसे इयररिंग्स भी पहनू और साथ में हिजाब भी कैरी. सो यार आई एम शेयरिंग दिस हिजाब ट्यूटोरियल फॉर यू ऑल. लव यू ऑल. ओके सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस इयररिंग एंड आई विल बी शो दैट आप हिजाब के साथ कैसे इसको वेयर कर सकते हैं. ओके लाइट्स कैमरा एक्शन. ओके सो सबसे पहले ये इयररिंग पहन लेती हूँ मैं. ओके तो मैंने इयररिंग्स पहन लिया. अभी आपको सेफ्टी पिन लेना है. ओके एंड फिर यहाँ पे देखो इस तरह से आपको ऐसे दुपट्टा लेना है एंड यहाँ बैग पे ऐसे सेफ्टी पिन को लगाना है. ओके देखो दिख रहा है बराबर. हाँ ओके तो ऐसे कुछ हो रहा है. मैं एक बार कैमरा में देख लेती हूँ बराबर हुआ है कि नहीं बिकॉज मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ. या राइट परफेक्ट. ओके तो मतलब यहाँ से आपको ऐसे लेना है यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देना है. ओके एंड देन से फिर आपको ऐसे लेना है और दैट्स इट. मतलब इससे क्या होगा आप जो भी ज्वेलरी पहनोगे आप झुमका पहनोगे आप जो भी पहनोगे ना वो क्लियरली दिखेगा और इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा. लाइक जब हम मतलब कभी कभी ऐसा लुक होता है ना ऐसा ऐसे हम टाइट बांधते हैं यहाँ से ऐसा तो पूरा सिर्फ ऐसा लगता है इयररिंग बाहर निकल के आ रही है तो वैसा लुक नहीं आएगा. इससे एकदम आपका फेस भी खिल के आएगा और आपकी इयररिंग भी दिखेगी. तो अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो तो आप झुमका वगैरह पहनोगे ना तो बहुत प्रीटी लगेगा. ओके सो ये आता है इससे कैसे लग रहा है आपको ये लुक. हिजाब स्टाइल तो उसके लिए हम ये वाला शिफॉन हिजाब पहने वाले हैं. ठीक है और गाइस मैं आपको ये निंजा टेक्निक देती हूँ जिससे आप पब्लिक प्लेस में हिजाब चेंज कर सकते हो. ओके लेट्स सी ऐसे हिजाब ले लेना है. ठीक है एंड देन हो गया आपका हिजाब चेंज. ओके सो गाइस सेकंड हिजाब स्टार्ट लेना. आपको ये वाला साइड नहीं लेना है ये जो शॉर्टर साइड है ना हिजाब का वो लेना है. ठीक है फिर उसको आपको इधर ऐसे चीन पे लेना है देखो इस तरह से. ठीक है चीन पे लिया आपने ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा नॉट टाई करना है. ठीक है मतलब गार्ड बांध देनी है. ओके फिर आपको ये राइट साइड से लेना है इस तरह से. आपको फिर इस तरह से लेना है एंड फिर आपको कोई भी कलर का हिजाब पिन ले लेना है और यहाँ पे पिन कर देना है.
ऐसे। और पिन कभी भी आप करोगे ना, रुको मैं आ गया के बता, आप पिन जब भी करोगे ना तो जिगजैग मैनर में करना, देखो ऐसे आपने ऐसे पिन डाला, बाहर निकाला, फिर अंदर। बिकॉज जब आप डायरेक्ट पिन कर लेते हो ना तो वो निकल सकता है, लेकिन आप जिगजैग इस तरह से करोगे ना तो हिजाब लॉन्ग टाइम तक वैसे रहेगा। ओके समझ गए? तो कैसा लग रहा है मेरा ये लुक? ओके सो गाइस, ये हिजाब ट्यूटोरियल उनके लिए है जो कि मेरे तरह डॉक्टर्स है या मेडिकल फील्ड में है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप इजीली हिजाब के अंदर ऐसा स्टेथो डाल सकते हो, देखो डायरेक्ट सिंपल। एंड मतलब मोस्टली क्या होता है, हम जब क्लिनिक में होते हैं या हॉस्पिटल में ओपीडीज में होते हैं तो हिजाब अंदर डालने में तो स्टेथोस्कोप ऐसा अंदर डालने में इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना कि हमारा पूरा हिजाब खराब हो जाता है और स्टेथो तो अंदर जाता ही नहीं है, लाइक हम ढूंढते रह जाते कि कान कहाँ पे है। ओके तो ये बहुत इजी हिजाब है डॉक्टर्स के लिए जो कि हॉस्पिटल में आप आराम से पहन सकते हो और स्टेथो को भी यूज कर सकते हो इस तरह से। बिल्कुल देखो आपके ईयर्स ओपन रहेगा इसमें, ठीक है ऐसे। लेस वाली हिजाब स्टाइल करेंगे। ओके आपके पास भले ऐसी लेस हो या कोई भी टाइप की लेस हो तो उससे आप कैसे स्टाइल कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमें हिजाब ऐसा रख देना है, ठीक है? लेस वाला जो हिजाब है ना वो हमें राइट साइड में रखना है ऐसे, फाइन। देन आपको ऐसे लेना है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप हेप पिन कर सकते हो। पिन करने का फायदा ये है कि लॉन्ग टाइम वैसे स्टेबल रहेगा, ओके और स्लिप नहीं होगा, फाइन। तो आपने ऐसे बांध लिया, पिन कर लिया यहाँ पे, फिर आपने इसको इस तरह से ऊपर लेना है, ठीक है? और यहाँ पे पिन कर लेना है। आपने यहाँ पे पिन कर लिया, ठीक है? फिर ये जो लेस वाला साइड है ना उसको आपने इस तरह से यहाँ पे लेना है, ठीक है? और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है ऐसे। फिर यहाँ पे आपको पिन कर लेना है सेफ्टी पिन से, या आपको जो भी पिन से करना है, ठीक है? ओके यहाँ पे अपने ऐसे पिन कर लिया। एंड यार दैट्स इट, कैसा लग रहा है ये लुक? मतलब ये आपको ना फुल कवरेज भी देता है और आपका जो लेस का पैटर्न है जिसमें आपने लेस वाला हिजाब लिया है वो भी अच्छे से एनहांस होता है और वो अच्छे से दिख के आता है, तो ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स माई फेवरेट लुक। आप बताना आपको ये लुक कैसे लगा। आपको बताओगी कि आप कैसे आपके स्क्वायर शेप हिजाब को, लाइक स्क्वायर सेटिन हिजाब को और ये ग्लेयर्स को आप स्टाइल कर सकते हो हिजाब के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने आपके हिजाब को, मैंने ये शिफॉन मटेरियल यूज किया बिकॉज ये ज्यादा कंफर्टेबल है, आपने अपने हिजाब को ऐसे रखना है, ठीक है? फिर ये लेफ्ट साइड वाला जो हिजाब है ना उसको आपने ऐसे ये राइट वाले हिजाब साइड के नीचे से लेना है और ऐसे पीछे डालना है, ठीक है? ऐसे, फाइन, ये हो गया। और फिर उसके बाद हम अपने हिजाब को पिन कर लेंगे सो दैट वो स्लिप ना हो, और ये साइड भी हमने जिगजैग कर पिन को लगा दिया, ठीक है? ओके हमने जो ये सेट हिजाब स्टाइल करना था तो देखो ये स्क्वायर हिजाब है, ठीक है? तो इसको हम इसके ऑपोजिट एंड से कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसे ट्राइंगल बनाना है, समोसा बना देना है आपको, ठीक है? तो फिर इस समोसे को हम, मैं किधर चला गया ये बदतमीज, वेट। तो ये जो हमारा समोसा जो हमने बनाया है इसको हमें ऐसे लेना है, ठीक है?
सिर पर रखना है समोसा, ठीक है, हिलाना नहीं उसको, ट्राइंगल शेप में ही रखना है। ओके, तो ये ऐसा लिया हमने और फिर यहाँ पे ऐसे लेना है, ठीक है, एकदम ऐसे, और यहाँ पे पीछे आपको सेफ्टी पिन के हेल्प से उसको टक कर देना है, मतलब उसे पिन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने सेफ्टी पिन लिया है, मैं आपको बताती हूँ, बेटी यहाँ पे पिन करना है, ठीक है। ओके, तो आपने ऐसे इधर पीछे पिन कर लेना है, ठीक है, ये कर लिया आपने, तो ये एकदम ऐसे लुक देते हैं, मतलब आप कहीं बीच पे गोवा या कहीं घूमने जाओगे ना तो इसके लिए परफेक्ट है। और उसके ऊपर आपने ये ग्लास लगा लिया तो मतलब समझो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो एकदम पिकनिक लुक देगा आपको ये। ओके, मतलब एकदम स्टाइल और एकदम फैशनेबल लगेगा ये आप पे लुक। आप अपने वेस्टर्न आउटफिट से पहन सकते हो, या आपने कुछ स्कर्ट पहन लिया हो लॉन्ग, या डेनिम का कुछ पहना हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें आप यू नो ग्लैर्स भी इजीली पहन सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके, ऐसे कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, That's it for this vlog. आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू नो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एकदम सिंपल रखूँ जा ट्यूटोरियल ताकि आप भी फॉलो कर सके। ये सिंपल था बट फैशनेबल भी था और यूनिक भी स्टाइल्स थे। चाहे आप बीच पे जाना चाहो, ग्लैर हो, स्टेथोस्कोप पहनना हो, इयररिंग पहनना हो, मैंने लाइक यू नो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में आपको बताया कि आप कैसे पहन सकते हो स्टेथो को, इयररिंग्स को, यू नो गॉगल्स को, हर चीज को। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, हिजाबी फ्रेंड्स से शेयर करना ताकि वो लोग भी स्टाइल कर सके। यू नो जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया था 2020 में, तब मैं भी बहुत स्ट्रगल करती थी, लाइक कैसे स्टाइल करूँ समझ नहीं आता था, मतलब हिजाब कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, ड्रेस पे कैसे करूँ, वेस्टर्न पे कैसे करूँ, बाहर जाओ कैसे करूँ, कुछ नहीं समझ आता था। और जब मैं स्टेथो पहनती थी ना कॉलेज में, ओपीडीज में आई मीन, तब मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, लाइक मुझे नहीं जम रहा था कैसे कैसे डालू इधर हिजाब, मतलब तब मैं स्टेथो कैसे यूज करूँ ओपीडी में। बट देन धीरे धीरे मुझे मिल गया कि मैं कैसे वेयर कर सकती हूँ हिजाब को और ओपीडी में इजीली कंफर्टेबल वर्क कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ भी शेयर किया ताकि आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो स्टेथो को लेके हिजाब में तो आपको भी आसानी मिले, ठीक है। सो गाइस, अगर आप न्यू हो गए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके हिजाबी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।